गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे जय श्री कृष्ण राम राम। हाँ भाई साहब ठोक दो बेंच डाल दो मार दो। हाँ यार एक बार वालों को नहीं सुधार सकते अपन, कुछ भी कर सकते, इनका बस नहीं चल रहा हो। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं बैंक, क्योंकि भाई मेरे पैसे काट ले बैंक वालों ने, पता नहीं किस बात के काटे। जाते हैं ICICI भैया, पैसे किस बात के काट ले तो बता दो। काट तो लिए पूरे पैसे तुमने, पर काटे किस बात के हैं वो भी तो पता रहे ना मेरे को। बिना बताए कैसे काट रहे हो तुम पैसे, ये भी नहीं समझ में आ रही मेरे को। और फिर अकाउंट और बंद कर दिया। चलते हैं भाई देखते हैं क्या सीन है, वहीं बताते हैं सबको। निकल चुके हैं ऐसे बैंक से, उन्होंने बताया है भाई कि बंद कर दिया अकाउंट, 15 दिन बाद आएंगे पैसे। अबे 15 दिन तक करूँ क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरे पैसे कहाँ गए आ रहे। गलत है ICICI वालों, तुम पे केस करूँगा मैं, कुछ नहीं कर सकते यहाँ से तो, क्योंकि अकाउंट तो 15 दिन बाद खुलेगा, तब तक कुछ कर नहीं सकते। तो चलते हैं घर पे, पहले यहाँ पे भी कुछ करने सहने का कुछ हो रहा है। उनके अध्यक्ष जो थे उनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ प्रताप चौक पे भी कोई प्रोग्राम था शायद, या तो अब ख़त्म हो गया होगा, अगर अभी होगा तो थोड़ी देर रुकते अपन भी, देख के चलते हैं। इस विषय में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, घर पे चल के आराम से। पुलिस वगैरह सब हो रही है भाई, अभी देखो अंकल रोम साइड ही चलते हैं, हमारे 12 में लोग, हमारे अलग ही 4 लोग हैं यहाँ पे, 12 वाले इनका कुछ नहीं कर सकते भाई। तो चलते हैं में, जो तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, राजस्थान ही नहीं जो आसपास के जो राज्य के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे यूपी की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए। इस तरीके की जो यहाँ पर सुखदेव सिंह शहादत जो है जाया नहीं जाएगी, लेके रहेंगे हर स्थिति में, हमको बदला चाहिए। अगर सरकार ले रही है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग लेने में सक्षम है, वो लेके बताएंगे और इससे तो कुछ नहीं है। स्थिति काफी टाइट नहीं जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ आप अपील करेंगे? सारे लोगों बैरिकेडिंग करके बाहर रोक दिया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन रोक रही है, हजारों गाड़ी हमारी बाहर रुकी हुई खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए न्यूज 18 भी तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से अपील करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मांगे हैं वो अपनी मांगे सरकार के सामने रखी जानी चाहिए। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? अगले कुछ सालों से मैं जयपुर ही रहता हूँ, अगले कुछ सालों से जयपुर की और राजस्थान की कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे रह के देख रहा हूँ कि 6 बजे के बाद आदमी का निकलना भारी हो रहा है, कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। एक मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि एक तो कानून व्यवस्था पे पूरी तरह काम करें, ठीक है, और हमारे यूपी मॉडल, योगी जी का जो मॉडल है मॉडल यहाँ लागू हो, यूपी मॉडल के हिसाब से यहाँ कानून लागू हो, उसी तरह 24 घंटे के अंदर वहाँ पे कहीं कोई क्राइम होता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका जो है जवाब मिल गया होता है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है 24 घंटे कि हमारे लोगों को आने दिया जाए। करीब पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या हुए, 22 घंटों का वक्त हो चुका है, अभी तक भी जो सुखदेव सिंह जो गोगामेड़ी है
उनकी जो बॉडी है मेट्रोमास हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर यहाँ पर रखी हुई है। लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उस जो परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं, जो मुलजिम हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी मांगों को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन से हमारी मांग यह है कि हमारे लोगों को आने दिया जाए, रास्ते में नहीं रोका जाए, अननेसेसरी तंग किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। जिंदाबाद। तो गाइस आज अपन ने देखा कि आज पूरा राजस्थान बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या कर दी गई है। पहले वो लोग उनके पास आए, पहले उनसे वार्तालाप करी, कुछ ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट, और उसके बाद दोनों ने अपनी गन निकाली और फायर कर दी। जो साथ में जो एक और बंदा था उनका नाम नहीं बताऊंगे, लेकिन जो भी थे वो उनकी भी डेथ हो चुकी है। और आप जानते नहीं होंगे सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी थे कौन, तो मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने लाल चौक पे झंडा फहराया था मोदी जी के साथ। एक मोदी जी थे, एक वो थे, बस इन दोनों ही फहराया। तो वो कोई एक जाति के लिए तो फहराया नहीं था उन्होंने, तो उन्होंने जो हिंदू समाज के लिए ये सब करा। और JNU में जब ब्राह्मणों के ऊपर लिखा गया था ब्राह्मणों देश छोड़ो, तब वो आए थे और उन्होंने कहा था कि पहले तुम्हें हमारे क्षत्रियों की तलवार के नीचे जाना पड़ेगा। तो ऐसे विचारधारा के तो वो हिंदुओं को सपोर्ट था उनका पूरा। और अपन सब समाज के हर व्यक्ति से मैं अपील करता हूँ कि उनको जस्टिस मिले। और आप वीडियो आगे से आगे शेयर करें या ना करें वो आपकी इच्छा, पर उनको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। होगा ट्रैक्टर यार भाई, गए अभी हम इसमें ही जाएंगे। आज गेड़ी मार जाता हूँ मैं अभी, भाई मुझे घुमा के लाएगा फुल साउंड के साथ। ये पाजी गए हमारे, ये देखो, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, बोला जमा दो, आ जाओ भाई, आए बैठो चल ले दो। कैसे कहाँ टांगे फंसाऊं, जहाँ मैं पढ़ू नहीं बस। हाँ बस, ओ भाई आगे चल रहा हो तो इधर कहाँ रखूँ, और रुको इधर ही घूमो ही है, बस एक चक्कर ही बाट गया ना अपन को तो। हाँ हमारी बहुत खतरनाक घूम के आ चुके हैं, हमने रोड़ा बांध दिया, पूरे 12 का सिस्टम बिठा दिया हमने। आप आजी क्या हाल चाल? बस ठीक। अब कहाँ जा रहे हो? मंडी वापस? मंडी। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।